वर्षों से हम सब अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक के साथ जी तोड़ मेहनत करते रहे, पर खेत की मिट्टी का कभी नहीं सोचा और धीरे धीरे मिट्टी की ताकत कम होती गई। तो आइए हम सब मिलकर कायाकल्प के साथ शुरू करते हैं देश की मिट्टी को स्वस्थ बनाने का अभियान। दोस्तों, जो फसल आपने जायद में बोई थी उनकी कटाई का समय अब आ गया है और समय आ गया है रबी फसलों की बुआई का भी। इसमें आप मक्का, तोरी, राई, चना, सूरजमुखी, गेहूं, जौ, जई, आलू, शरदकालीन ईख व पशुओं के लिए चारा आदि में बरसीम लगाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। और इन सब के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है, उन सब का भी विशेष ध्यान रखें। अब इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप अपने खेत का नमूना लें और मिट्टी की जाँच के लिए इसे भेज दें, ताकि मिट्टी की जांच से ये पता चल सके कि आपको जो अगली फसल लगानी है उसमें कितने खाद आदि की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब आपने नमूना तो भेज दिया है, इसके बाद आप देखें कि खेत में नमी कितनी है। अगर इसमें नमी है तो आप सीधे जुताई कर सकते हैं, लेकिन अगर खेत में नमी नहीं है तो आप इसमें एक सिंचाई कर दें, और जब इसमें ओट आ जाए या इसमें वत्तर आ जाए तो इसमें गोबर व कंपोस्ट आदि की खाद मिलाकर इसकी जुताई कर दें। ध्यान रखें कि खेत को एकदम खरपतवार मुक्त कर लें। अगर आपको मोटे बीज वाली फसल लगानी है तो एक दो जुताई से भी काम चल सकता है, क्योंकि उसमें अगर थोड़े बहुत मोटे ढेले रह भी जाते हैं तो भी बीज आसानी से उग जाता है। लेकिन अगर आपको महीन बीज वाला या फिर पतले बीज वाली कोई फसल लगानी है तो उसके लिए आप अच्छे से दो तीन जुताइयां करें और हर जुताई के बाद पाटा लगाकर मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना लें। ध्यान रखें कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं और आपने जो मिट्टी की जाँच कराई है उसी के अनुसार जो बताई गई खाद है उन्हें आप मिट्टी में डाल दें। यदि मिट्टी क्षारीय या फिर अम्लीय है तो इसमें गोबर व कंपोस्ट की खाद मिलाते समय ही इसमें भूमि सुधारक चूने व जिप्सम का प्रयोग करें। यदि मिट्टी में दीमक, निमिटोड या फिर अन्य किसी तरह के कीट या बीमारी है तो उसका उपचार भी खेत की तैयारी के वक्त ही कर लें। अच्छा, ये तो हो गई खेत की तैयारी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि बीज किसी प्रमाणित दुकान से ही लें और इसका पक्का बिल बनवाएं और इस बिल को आप संभाल कर रखें। दूसरा, खाद व उर्वरक भी किसी प्रमाणित दुकान से ही लें। वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही खेतों में खाद व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। खेतों में अच्छी जुताई के बाद समय पर बुआई करें। ध्यान रखें कि अगर आपकी फसल कुछ इस तरह की है जिसमें क्यारी बनाने की आवश्यकता है या फिर नालियां बनाने की आवश्यकता है तो वो भी इसमें अच्छे से बना लें और फिर इसमें बुआई करें, क्योंकि जब आपका खेत स्वस्थ होगा, मिट्टी हेल्दी होगी और बीज और खाद प्रमाणित होंगे तो फसल भी अच्छी ही होगी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।